कोकोनट ऑयल डाला है, उसके बाद कोकोनट, उसके बाद ग्रीन चिली, नेक्स्ट अदरक। अभी ये थोड़ा रोस्ट होने के बाद, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रोस्ट होना है। और हम बना रहे हैं चिली, रोस्ट हो गई ना, कोकोनट चटनी बना रहे हैं ना। उसके बाद चना दाल, चना। अच्छा, इसको भिगोना नहीं होता, ऐसे ही डाल सकते हैं। वैसे डाल सकते, मतलब ये रोस्टेड चना है ये वाला। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा मूंगफली भी डाल सकते हो, मेरे पास रोस्ट वाली खत्म हो गई है। ओके, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, खाली हल्का सा रोस्ट करना है इसको। ले एक लहसुन, अच्छा बंद करने के पहले एक लहसुन, ये लास्ट टाइम पे डालना है। बस खत्म। इसमें अगर आपके पास तिल है तो रोस्टेड वाली तिल, वो भी थोड़ा सा डाल के पीसना है। जब हम तिल, रोस्टेड तिल डालना, रोस्टेड तिल, वो अच्छा। भी टेस्टी होता है। ओके, गुड फॉर हेल्थ आल्सो। थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल, इसमें जीरा और राई और दो लहसुन, मतलब थोड़ा क्रश करके, और इसके बाद थोड़ा सा करी पत्ता। लहसुन रोस्ट करना है या फिर नॉर्मल लहसुन? नॉर्मली थोड़ा ऐसे पीस के, पीसने मतलब थोड़ा सा ऐसा ऐसा क्रश करो, फिर डाल दो, इसके बाद थोड़ा करी पत्ता डाल दो, बस बंद करके इसके ऊपर ऐसे ऐसे करो। जब आप खाते हो ना, उसके समय मिला दो। अच्छा, क्योंकि वो क्रंचीनेस वैसे ही रहती है कि करी पत्ता का, अगर अच्छा। पहले आप मिला दिया तो क्रंचीनेस खत्म हो जाती है, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको पीसना है, सबको ग्राइंड करना है, देन ये सब छौंका मारना है उसके बाद, और फिर नमक, लहसुन, नमक और वो वाला जो मसाले वगैरह मिक्स करना है। नमक इसके साथ ही डाल, जब पीसते हो ना मिक्सी में, उसके समय आप नमक डाल दो, इसके बाद आप टेस्ट कर लो, इसके बाद तड़का करो। ओके ओके, ठीक है, तो फिर हमारी बन जाएगी कोकोनट चटनी।